Hello students, welcome to your NSM class. The last class we have discussed about different types of events. Then next, the probability of any event. As you have written all these things, the probability of any event is the ratio between the size of the event divided by the size of the sample space. So, बड़े probability टा गोटे ratio quantity. इटा केबे भी इको टू अधिक हबो नै एज आई टोल्ड यू अर्लियर जीरो टू कमिबो नै जीरो हि पारे एक्स मैक्सिमम इट विल बी 1 एंड मिनिमम इट विल बी 0 देयर विल बी नो नेगेटिव प्रोबेबिलिटी ऑल दिस थिंग्स आई हैव टोल्ड इन द लास्ट क्लास मु ऑलरेडी इटा लास्ट क्लास रे तुमको कहि छि एज आई टोल्ड यू जे ए चैप्टर रे हमरो थ्योरी टाइप रो क्वेश्चंस आसीबो ता सहित प्रॉब्लम भी आसीबो एमती नो जे खाली थ्योरी ही हमरो आसीबो हमरो वी हैव सम प्रॉब्लम्स आल्सो रिलेटिंग टू योर प्रोबेबिलिटी एठी हमरो तीनटा थ्योरम अछि तीनटा और इट मे बी अ इट तीनटा थ्योरम अछि गोटे तो हमरो बेयस थ्योरम विल गो लेटर आमे तापरे जिबा आमे बेयस थ्योरम इफ वी आर प्लस 2 साइंस स्टूडेंट्स देन ऑब्वियसली आमे प्लस 2 रे पढ़ीथिबा प्रोबेबिलिटी रे बेयस थ्योरम अतरे प्रूफ नथिला देइथिला किंतु वी डिड नॉट प्रूफ दैट बट आमे बे प्रूफ टा सिखिबा एंड वी हैव अ 10 मार्क क्वेश्चन ओनली प्रूफ द राइट एंड प्रूफ द बेयस थ्योरम एंड अदर 2 थ्योरम्स आउ दीटा थ्योरम अछि हमरो एडिशनल एंड मल्टीप्लिकेशन थ्योरम्स नाउ वी विल डिस्कस दीस 2 थ्योरम्स टुडे ओके एबे आमे ए दीटा थ्योरम विषय रे लिखिला देयर आर 2 इंपोर्टेंट थ्योरम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी One, the additional theorem, two, the multiplication theorem. दीटा थ्योरम समटाइम्स आसुची हैला तो हमको ए दीटा प्रैक्टिस बड़ा सहज अछि दीटा देखो मिसी की 10 मार्क आसी पारे किबा इंडिविजुअल गोटे गोटे हमें जानि छि ऑलरेडी लास्ट क्लास रे जो मु फार्मूला जको देइथिली सेटा हमरो एडिशनल थ्योरम रो फार्मूलाटा एबे हमें सेटा करिबा तो हमें जानि परिबा जे व्हाट इज यू कोन हमरो एडिशनल थ्योरम कहले ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गो फॉर एडिशनल थ्योरम जेतेबेले थ्योरम जेको पढ़िबो हमको कहि देबो सीधा राइट एंड प्रूव द एडिशनल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी तो हमको स्टेटमेंट हमको लिखिया पड़िबो एंड प्रूव मध्य हमको ही करिया को पड़िबो ओके मो बे एडिशनल थ्योरम रो थ्योरम टा देबी देन गोटे प्रॉब्लम भी करिबा ता बले सहज प्रॉब्लम्स ओके ए सब जिंस भल पिला निश्चित भाव तार नोट रे सब रखीदब मु आगुरु कही आज अवसर मन पक जो माने करी नाहंती स्टिल यू हैव ए टाइम ऑलरेडी दीटा यूनिट तो सरी दिस इज द थर्ड यूनिट रे भी आम टे सुधरी जाई परिया जे जो माने नोटबुक करी नाहंती दे कैन डू नोटबुक बिकॉज ऑनलाइन रे आमे जो यूट्यूब रे जो वीडियोस देखुचे तो एजाको किछि समय आमे देखिला परे तापर से पछुकु पछुकु पळेबो तो आमे जदि डाउनलोड करनथिबा हमरो प्लेलिस्ट रे रखि नथिबा ताले एटा कोटे रहि जिवो हमकु भी मिलिवन नो डाउट मिलि परिबो आमे खोजि परिया सर्च करिके बट नोटबुक रे जदि थिबो एनी टाइम हमको ऑनलाइन ऑफलाइन किसी दरकार ना मोबाइल ही दरकार ना वी कैन जिते बड़ा चाहिबा सेते बड़ा हमें
देखी पारिबा सो दिस इज द एडवांटेज प्लस एग्जाम टाइम रे ना प्रिपरेशन करिया पे जोटा हमरो नॉर्मल दिस इज अबनॉर्मल टाइम सेत पे हमें अबनॉर्मल क्लासेस करू छे ओके अदरवाइज तमे मो फ्रंट रे था तो मो तमो फ्रंट रे था थी विल डिस्कस अबाउट द टॉपिक्स ओके हमें डिस्कस भी करी था थे ताकु नेगरी हमें पढ़ी था थे बट दिस इज नॉट जनरल नॉर्मल टाइम तो सेत पे हमें वीडियो रे देखु छे आ वीडियो रे सीखु छे ओके सो एडिशनल थ्योरम First, the statement. The additional theorem states that if two events A and B are mutually exclusive. अच्छा mutually exclusive जदि न हेतिबो से अलगा हबो mutually exclusive हेतिले से अलगा हबो okay the two events if they are mutually exclusive ओके द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ऑकरेंस ऑफ probability of A and B of A and B this is the theorem symbolically probability of A B kimba probability of A union B is equal to probability of A plus probability of B eta jaha eta se A or A union ame janthiba union and intersection upare amro idea already achhi okay clear so this is the statement of the theorem okay so now we'll prove it If an event A can happen A1 wins and B in A2 two events as I told you what a a what a b a ta amro a1 ways re hobo a1 alga alga different ways re hei paribo b ta a2 ways re hei paribo okay then the number of ways in which number of ways in which
another event can happen. टोटल नंबर ऑफ माने एटा हमरो कैन हैपन ए वन टाइम्स कैपिटल बी टा कैन हैपन बी वन टाइम्स देन टोटल नंबर ऑफ हैपनिंग इज ए वन प्लस ए टू टाइम्स. नेक्स्ट स्टेटमेंट लिवे दूची तो मैं लिखी दबा the total number of possibilities then by definition probability, then by the definition of probability of either the first or the second event, टोटल हमरो एदर द फर्स्ट और ए और बी किमा में ए यूनियन बी इज इक्वल टू हमें कौन लिखी परिवा टोटल टा हमरो केते आस्तिला ए1 प्लस ए2 डिवाइडेड बाय एन टोटल टाइम रे इथि देखो ए1 ए2 आस्तिला हमें एटे नै जे एन नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज तो एन टा हला हमरो सैंपल स्पेस a1 plus a2 टाला हमरो इवेंट टा तो सेति पई द प्रोबेबिलिटी ऑफ आइदर द फर्स्ट और द सेकंड सेति पई ए और बी ने लिमु तो इज इक्वल टू a1 plus a2 डिवाइडेड बाय n. ओके सो व्हिच इज इक्वल टू a1 बाय n plus a2 बाय n. ओके सो इटा हमरो रहिला नाउ हमें कोन करिया बे एटा लिवे देखबे अच्छा इटा थाउ नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट इवेंट ए दैट इज इक्वल टू पी ऑफ ए इज इक्वल टू एटा केते हमरो एटा केते नै जाबे ए1 टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने एन सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड इवेंट बी इज इक्वल टू आर कितने आसी टोटल का हमें नीचे ए2 ने ले इट विल बी ए2 डिवाइडेड बाय सैंपल स्पेस एन नाउ एटा लिबे देलिमो therefore probability of a union b is equal to aa jagare kete pokai paribi probability of a aa jagare probability of b. okay hei gola amaro the theorem proved hela so this is the amaro स्टेटमेंट हमें प्रूव कर देले एटा को हमें एक्सटेंड करि परिवा तीनटा पई भी सपोज यू नीड मोर देन ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू
probability of A plus probability of B plus probability of C if A, B, C are mutually exclusive. এইটা মনে রখ যদি মিউচুয়ালি এক্সক্লুসিভ ন হব তাহলে আমার যে ফার্স্ট ফর্মুলাটা মু লাস্ট ক্লাসে দেইথিলি এ ইউনিয়ন বি ইজ ইকুয়াল টু প্রোবাবিলিটি অফ এ প্লাস প্রোবাবিলিটি অফ বি মাইনাস প্রোবাবিলিটি অফ এ ইন্টারসেকশন বি যে ফর্মুলাটা অলরেডি আই হ্যাভ গিভেন প্রোবাবিলিটি অফ এ প্লাস প্রোবাবিলিটি অফ বি মাইনাস প্রোবাবিলিটি অফ এ ইন্টারসেকশন ओके सेटा लिखी दो चाहे अगर तुम मैंने इटा लिखी दियो उधर लिखे दो चले कंप्लीटेड हमारा थ्योरम तो दिस इज योर एडिशनल थ्योरम तो ये ते एडिशनल थ्योरम टा हमारा मु एज आई टोल्ड यू the general formula when A and B are not mutually exclusive this is the general formula for A union B when A and B are not mutually exclusive that means A intersection B not is equal to 5. As I told you, mutually exclusive events रे मो तम्मु definition देईची. जदी A intersection B हब, ताहले, अच्छा, हमें दीटा जेको formula use करी परिवा. जेते बड़े mutually exclusive ना हो तुगो, A formula use हब. जेते बड़े mutually exclusive हो तुगो, आमर additional theorem टा, A formula टा use हब. हला? When? A intersection B is equal to 5. So this is our additional theorem. Okay. What example kariba ame? What is sahaja example kariba? Right? Likhi daba esobu note re. Nishchita bhabe likhiba. Nole ame asubidhare padiba. एग्जांपल देखो लिखो जी मु वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स ओके What is the probability that it is either a king or a queen? What is the probability it is either a king or a queen? देखो, बड़ा सहज क्वेश्चन था और आंसर भी सहज अच्छी, राइट? देखो सॉल्यूशन देखो देयर आर 52 कार्ड्स ऑब्वियसली हमर जो तास मूल तुमको जते बेले तास विषय रे कहितली व्हेनेवर जनरल गोटे नॉर्मल तास जो प्लेइंग कार्ड्स थिबो सेतरे हमर ओनली 52 कार्ड्स ही थिबे सो तो हमर एटा आला सैंपल स्पेस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द सैंपल स्पेस is equal to 52 as it given in the question there are 52 cards so likhi dile bhalo tumi jodi chahibo you can write one card is drawn out there are 52 cards in a pack of playing cards so out of which you have to select a card so now we have to draw a one card a ओके सो आइदर ए किंग और ए क्वीन बोली कह तो फर्स्ट वी फाइंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग ए किंग
a king. So how many kings are there? Kitna kings hai? Chacha. As I told you, four king, four queen, four jack. Sabu card ro amaro chari chari ta lekha thai. So selecting a king. So out of four, the probability is, लिखिले भल सपोज से आम के बोली नवा किंग फोर बै फिफ्टी टू है कि सैंपल स्पेस फिफ्टी टू टोटाल नंबर अफ किंग चारि चार बै फिफ्टी टू काटाकाटी करदेली वन बै थर्टी क्लीयर अच्छा ना व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी सिलेक्टिंग ए क्वीन then the probability is say 4 by 52 kahi jitna king thai sitna hi hamro queen thai acha eta mutually exclusive hobo na nahi hobo kahi because king jodi ame gote card bahar kari if it is a king then it cannot be a queen if it is a queen then it cannot be king So by using the formula, the probability of either a king or a queen, probability of K. Probability of K union Q. Probability of K plus probability of Q. 1 by 13. 1 by 13. 2 by 13. Okay, this is the answer. Bujha padila. Clear? Whenever you have a question like this, to tamro ichi e bhalia. सो एटा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हम आम के इंटरसेक्शन क्यू इज इक्वल टू फाइव बिकज किंग जदि आम सिलेक्ट करवा क्वीन करें क्वीन जदि करवा किंग क्लियर एटा आम बाय यूजिंग आम जो एडिशनल थ्योरम टा आम कले से तो फर्मूला एवं गोटे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव न होता एग्जांपल नवा ओके आ गोटे एग्जांपल देखा धीरे धीरे प्रोसीड करिबा हमरो क्वेश्चन को नेकी ओके अनदर एग्जांपल देखो नाउ मैनेजिंग कमिटी ऑफ housing society formed a subcommittee of five persons to look into problems. The profiles of the five persons are माने कमिटी तैयारी करिवे से कमिटी रो जो प्रोफाइल्स हमरो अछंती हबो एक ही मस्ट बी मेल विथ एज 14 दु एटा को हमको देछि मेल हेतिबो एज
T3 question, sorry, need it. Tini, female, age 38. Then female, age 27. Probability what is the probability that he or she would be क्वेश्चन टा तुमको टिके अड़ुआ लगुथो ओके एते लंबा एंड लेंथी देखो से सोसाइटी रो दीज आर द कमिटी सब कमिटी मेंबर्स ओटे मैन अछि एज 40 मैन एज 43 अनदर मैन 65 टू फीमेल्स आर देयर ओटे जन कर एज 38 अनदर एज 27 ए मैन को भितरु ओटे चेयर पर्सन और हेड ऑफ द कमिटी हमकु जदी सिलेक्ट करबा तो कंडीशन कोन दिछि इज आइदर ए फीमेल और ओवर 30 इयर्स ए दीटा जक को नेकरी हमें कमिटी हबार प्रोबेबिलिटी टा बाहर करिबा ओके हे गला एबे देखो सॉल्यूशन टा बड़ सहज टा क्वेश्चन टा हमको एते बढ़िया लाग बड़ लागो छि यू कैन नॉट बिलीव द सॉल्यूशन ओके हमको पचार जी कोन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन according to the question we have to find probability of a female probability of female or over 30 years hela to amko ebe bahar koriyo padiyo alga alga probability now as you know probability of a union b is equal to probability of a probability of b minus probability of a intersection b hela so a formula ta ame use kariba tame kahibo how can you know that ame a formula ta use hobo eta jodi no mutually exclusive heithibo to eta zero heithibo eta dorkar padibo ni jodi mutually exclusive na heithibo tale eta dorkar padibo अच्छा हमें देखिबा द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फीमेल फर्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फीमेल हमें एटा को पी ऑफ ए बोल के नबा हैला तो फीमेल केते जन अछंदी हमरो दी जन आउट ऑफ केते 5 तो केते हो हमरे की एटा 2/5 probability of over 30 years age eta ko ame probability of b naba second event naba 30 years age upuru ko 1 2 3 4 kete likhi bi 4/5 tome jaibo jodi tar sample space 500 ityadi ityadi likhi kri टा कुटी के एनालाइज करि परिबो ओके तो हमें एमटी कर दो नाउ दीटा देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ फीमेल एंड
years, that is probability of and legacy माने intersection. तमर मने थी बामु भाबुच set theory. अच्छा female इतिब 30 years से बाबे इतिब इतिब क्या अच्छी. So it will be 1/5. Okay. So बतान मुझे data टा कुली भेज दो ची तम बाकरे already अच्छी. Okay. देखो now. Probability of A union B is equal to, it is already, probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. 2/5, 4/5, 1/5, that is equal to 5/5, 1. So therefore, the probability of female or over 30 years is equal to 1. पिला बुझा पड़ीला इति जणे का छी फीमेल ओवर 30 इयर्स देखो से पूरा लिस्ट करे मु तो मिटे दे छी 38 इयर्स एंड ए फीमेल तो सेटा ही हमरो सी कैन बी द चेयर पर्सन. तो ओके सो हमें इनकी प्रोबेबिलिटी बाय यूजिंग ए इंटरसेक्शन बी बाहर कर परबा. ओके क्लियर. मो नेक्स्ट क्लास रे तुमको हमें प्रैक्टिस करिया पई किछि प्रॉब्लम्स देबी राइट. वर्तमान हमें एटा भलो भाबे देखिबा आरो क्लास हमर तो अभी एग्जाम चली छि राइट. यू कैन हैव द नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स. थैंक यू.